बहराइच में सूखे की आहट ने किसानों को घोर चिंता में डाल दिया है। धान की रोपाई किसान अपने निजी सिंचाई के साधनों से कर रहे हैं। किसानों के पास सिंचाई के अपने साधन नहीं। कासगंज थाना गंज डुरबारा पर 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना मिली, जिस पर पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को हिरासत में ले लिया है। छत्तीसगढ़ के कोरिया में लोहा कबाड़ का धंधा जल्द बंद नहीं कराया गया तो कोयला उत्पादन में पड़ सकता है इसका प्रभाव। आज धौलपुर में गुरु पूर्णिमा के मौके पर जगह जगह भक्तों द्वारा अपने गुरुओं की पूजा अर्चना की गई। वहीं धौलपुर में संत श्री बाल मुरारी बापू की उनके भक्तों द्वारा पूजा अर्चना की गई। मैनपुरी में गर्ल्स इंटर कॉलेज चौराहे से नाहर बालागंज की तरफ से होते हुए संयुक्त चिकित्सालय का रास्ता है। रास्ते में आने जाने वाले लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। नगर पालिका ने सड़क के किनारे कूड़े का ढेर लगा रखा है और उसको जला देते हैं। धौलपुर में आयुर्वेदिक होम्योपैथिक अस्पताल दे रहा हादसों को निमंत्रण। बीते दिनों हुई बारिश के बाद अस्पताल में जगह जगह छत टूट कर गिर गई। करीब 12 वर्ष पूर्व पीडब्ल्यूडी ने अस्पताल की बिल्डिंग को बनवाया था। कासगंज में कलश यात्रा विसर्जन के दौरान गंगा में पैर फिसलने से डूबा युवक धनाकर गाँव के कादरगंज गंगा घाट पर कलश विसर्जन करने गया था युवक। बलरामपुर उतरौला रोड बाईपास पर स्थित आश्रम पर मनाया गया गुरु सम्मान दिवस के रूप में गुरु पूर्णिमा। वहां पर उपस्थित लोगों ने फूल और माला मिष्ठान आदि अर्पित कर गुरुजी से मांगा आशीर्वाद। कासगंज में देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर। शहाबर गंज डुरवाड़ा हाईवे रोड पर टेम्पो और ट्रैक्टर से हुआ एक्सीडेंट। टेम्पो में बैठे बच्चे सहित 5 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। धौलपुर में बंटवारे को लेकर 2 बेटों ने मां बाप पर किया हमला। दोनों को किया गंभीर रूप से घायल। घायलों को कराया जिला अस्पताल में भर्ती। मनिया थाना क्षेत्र के बाबू का है पूरा मामला। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।